नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PPUI के बारे में, जिसका कि पूरा नाम है पिक्सल प्लस UI। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मैं इसके अबाउट पेज को आपको दिखा दूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलता है एज एक्सपेक्टेड, और साथ ही आपको जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिला है वो 5th अगस्त 2021 का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का इसमें अपडेट देखने को मिला है। और कर्नल वर्जन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑप्टिमस ट्रंक सूर्या कर्नल आपको देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने इसमें पबजी वगैरह लाइट वगैरह खेला है तो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस मुझे मिला गेमिंग में, तो मुझे उससे परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू इस रोम में नहीं। और बात करें इस रोम के फीचर्स के बारे में, तो आपको जो भी फीचर्स इस रोम का देखने को मिलेगा ये पिक्सलाइजर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे इसका लगभग सभी तरह का आपको फीचर देखने को मिलता है, वो ज़्यादा फीचर नहीं है लेकिन फिर भी इनफ फीचर आपको देखने को मिल जाता है कस्टमाइजेशन पे। यहाँ पे आपको इनका कॉन्टैक्ट पेज देखने को मिला है, डेवलपर वगैरह का नेम वगैरह देखने को मिला है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, लॉक स्क्रीन और एक्स्ट्रास का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि स्टेटस बार में आपको ये 4 ऑप्शंस देखने को मिले हैं, और यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग में 3-4 ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं, लॉक स्क्रीन में भी 5 ऑप्शन देखने को मिले, और एक्स्ट्रास में थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिला है। गेमिंग मोड वगैरह भी इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है इस रोम के बारे में। इस रोम का UI थोड़ा यूनिक सा मुझे लगा, इस रोम का UI मुझे थोड़ा पसंद आया, क्योंकि बोरिंग कस्टम रोम से थोड़ा अच्छा इसमें आपको देखने को मिलता है। मुझे डेफिनेटली इसका लुक पसंद आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे कुछ हद तक ये OnePlus से इंस्पायर्ड लुक लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर। जेस्टर वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अभी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ये काफ़ी थिक जेस्टर आपको देखने को मिलता है पिल, तो आप इसको यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेस्टर बार रेडियस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेंथ का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक अगेन अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जेस्चर नेविगेशन के देखने को मिल जाते हैं, क्विक टॉर्च, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से कि आप डेफिनेटली इन फ्यूचर आने वाले अपडेट्स को इंस्टॉल कर पाएंगे इसी के थ्रू, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। इस टाइम पर ये लेटेस्ट वर्जन है, कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। बैटरी बैकअप इस रोम का डिसेंट सा देखने को मिलता है, बहुत खास मुझे देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। 1 डे का ये बैटरी बैकअप आपको देता है नॉर्मल यूजेज में, मतलब आप थोड़ा बहुत गेम्स भी खेल सकते हैं उतना में ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इसका बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोम देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह इसमें सही से वर्क करता है, इसलिए हो सकता है इसका बैटरी बैकअप हालांकि बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है कि आप इसे एकदम यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, आप इसे यूज कर सकते हैं, यूजेबल आपको देखने को मिल जाता है ये रोम, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और स्मार्ट कट ऑफ वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं सारे ऑप्शन को। और अब बात कर लें, ज़रा देख लें इसके स्कोर्स वगैरह की, किस तरह का इसका थर्मल थ्रॉटलिंग और गीक बेंच स्कोर देखने को मिलता है। चलिए हम सबसे पहले इसके गीक बेंच स्कोर को देख लें। आप इसका गीक बेंच स्कोर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सिंगल कोर में 543 और मल्टी कोर में 1573 देखने को मिला, एक डिसेंट स्कोर है, ऑलमोस्ट सभी रोम में यही स्कोर देखने को मिला। अब देख लें हम इसके CPU थ्रॉटल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें कोई भी इशू मुझे नज़र नहीं आया है थर्मल थ्रॉटलिंग से रिलेटेड, और इसमें है भी नहीं। काफ़ी अच्छा इसका ग्राफ निकल के आया है, और रियल लाइफ यूजर्स में भी आपको ये पता। DRM इन्फो की बात करें तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको वीडियो वगैरह स्ट्रीम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, जो कि एक अगेन अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है।
तो यही सारे इसके कुछ स्कोर्स वगैरह थे, कुछ फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे एक पिक्सल प्लस यूआई पेपर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि आपको कई सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे पीपी यूआई के ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। और स्टाइल एंड वॉलपेपर में जाएं तो आपको यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अलग अलग तरह के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। वॉलपेपर में आपको स्टाइल एंड वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि आपको सिर्फ ऑन डिवाइस एक ही वॉलपेपर देखने को मिला है, ज़्यादा वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ग्रिड वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। लॉन्चर की बात करें तो इसमें आपको पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिव है, लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं आता इस रोम में। ये रोम जो है ये GF वाला वेरिएंट है, तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। और इसमें एक प्री इंस्टॉल्ड म्यूजिक ऐप आपको देखने को मिल जाता है, पल्स म्यूजिक करके, इसमें आप ऑफलाइन म्यूजिक वगैरह को आप सुन सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। बाकी मुझे कोई खास इशू इस रोम में नहीं लगा, आप इसे एज अ डेली ड्राइवर रोम यूज कर सकते हैं। इस रोम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आपको प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन आपको डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, इट मीन्स कि आप इसमें बैंकिंग ऐप वगैरह को बिना रूट के भी चला सकते हैं परफेक्ट। के बाद मैजिक साइड करके भी आप इसे चला सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, मैं योनो वगैरह को यूज कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस वीडियो के बारे में। मैं एक बात बता दूँ कि ये जो मैं रोम यूज कर रहा हूँ, मैं इसको पोको एक्स 3 में यूज कर रहा हूँ, और भी कई सारे डिवाइस के लिए ये रोम अवेलेबल है, तो आप किसी भी डिवाइस में इसे यूज कर सकते हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, फाइल्स अलग हों। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये चैनल भी आगे बढ़ सके और इन फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पे आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल मल्टीटेक को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।